बीते बुधवार यानी 19 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन 15 महीनों बाद क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने थे। ये मैच टीम इंडिया ने बेहद आसानी से 8 विकेट से जीता, लेकिन मैच की शुरुआत से पहले हर कोई टीम इंडिया को कागजों पर कमजोर बता रहा था। हर कोई बस इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया कमजोर है और पाकिस्तान टीम ये मैच जीत जाएगी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तब पूरी दुनिया को पता चल गया कि कौन सी टीम बेहतर है और कौन नहीं। पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ गेंद और बल्ले से बेहद खराब प्रदर्शन किया, इसलिए अब सरफराज अहमद की टीम को कई सलाहें मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार शोएब अख्तर ने भी भारत के खिलाफ अगले मुकाबले से पहले अपनी टीम को सलाह दी है। शोएब अख्तर ने एक न्यूज चैनल में बयान देते हुए कहा, टीम इंडिया के खिलाफ अगले मैच में पाकिस्तानी टीम वापसी कर सकती है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी जल्दबाजी में दिखे, मुझे नहीं लगता कि टीम को जल्दबाजी करने की जरूरत थी। खिलाड़ियों को हार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें अपने बल्लेबाजों को क्रीज पर टिक 50 ओवर खेलने की सलाह देनी चाहिए। अख्तर यही नहीं रुके, उन्होंने अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, गाइज लेट्स ऑल चिल, इट्स जस्ट अ गेम, डज नॉट मीन पाकिस्तान कैन नॉट प्ले बेटर, आई एम श्योर दे विल मेक अ कमबैक विद अ बेटर गेम। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को भी समझदारी से कप्तानी करने की भी सलाह दी। आपको बता दें, एशिया कप के लीग दौर के बाद अब सुपर फोर राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें रविवार 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। ये मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।